हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों एटम को। एटम उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को बोला जाता है जिसको फर्दर आप केमिकली डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से बच्चों एक टर्म आती है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर दोज स्पीसीज विच आर कंसिस्ट बाय टू और मोर एटम्स। देखिए मॉलिक्यूल्स बच्चों उस स्पीसीज को बोला जाता है जो दो या दो से ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से बनती है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे H2, जैसे आपका N2, O2, CO2, H2O, ये सभी बच्चों आपके मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मॉलिक्यूल की पहचान क्या है, कि मॉलिक्यूल वो स्पीसीज होती है जिसमें टू और मोर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आप देखें H2 में हाइड्रोजन के दो एटम्स प्रेजेंट हैं। ये जो सफिक्स में लिखा होता है बेटा, ये नंबर को इंडिकेट करता है, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन के सफिक्स में टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये स्पीसीज नाइट्रोजन के दो एटम से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह से यहां पर आप देखो CO2 को देखिएगा, यहां पर ये जो आपकी स्पीसीज है इट कंसिस्ट बाय वन कार्बन एटम एंड टू ऑक्सीजन एटम। इसी तरह से आपका जो H2O है ये हाइड्रोजन के दो एटम से और ऑक्सीजन के एक एटम से मिलकर बना है। तो जो भी स्पीसीज दो या दो से ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से बनती है उसी को हम डिफाइन करते हैं बच्चों मॉलिक्यूल। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है आपकी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है बच्चों? द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है बच्चों उसको एटॉमिक मास डिफाइन करा जाता है, ठीक है। अब देखिए एटम इतना छोटा पार्टिकल होता है बच्चों, इसको नेकेड आई से आप नहीं देख सकते हैं। अब कोई चीज ऐसी है जो बहुत छोटी है तो उसका मास भी क्या होगा बच्चों? छोटा होगा। तो ये जो वेट की जो यूनिट होती है ग्राम किलोग्राम, ये एटम के मास के लिए बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। तो छोटी चीजों के मास के लिए हमें छोटा मेजरमेंट चाहिए, ठीक है, छोटी वेट की यूनिट चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा एटॉमिक मास का जो मेजरमेंट किया जाता है वो AMU में करा जाता है। एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है बच्चों होती है AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, या आजकल बच्चों इसको हम सिंपली U कहने लगे हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। अगर मैं रिलेट करूं कि AMU और ग्राम में क्या रिलेशन होता है तो आपको ध्यान रखना है 1 AMU इक्वल्स टू 1 divided by 6.022 × 10³ ग्राम, ठीक है। अगर 1 को मैं इस नंबर से डिवाइड कर दूं तो जो ग्राम आपके मिलेंगे वो आपका 1 AMU के इक्वल होगा, ठीक है। डिवाइड करने पर क्या मिलेगा बच्चों? 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम इतना मिलता है। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि 1 AMU इक्वल टू कितना होता है? 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम होता है, ठीक है। अब यहां पर आपको कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एलिमेंट और एटॉमिक मास, इसमें पहला एलिमेंट ले रहे हैं हम हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। बाकी बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं एलिमेंट एटॉमिक मास। नाइट्रोजन के बाद आता है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद आ जाएगा आपका नियॉन। इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। एटॉमिक नंबर भी लिख देता हूं इसका 1, इसका 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका 8, 9, 10। फिर इसके बाद आता है आपका सोडियम 11, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फॉस्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम। ये आपको 20 तक एलिमेंट के एटॉमिक मास याद करने होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 1 AMU,
हीलियम का होता है 4 AMU, लिथियम का होता है 7 AMU, बेरिलियम का होता है 9 AMU, बोरॉन का होता है 11 AMU, कार्बन का होता है 12 AMU, नाइट्रोजन का होता है 14 AMU, ऑक्सीजन 16 AMU, 19 AMU, नियॉन का होता है 20 AMU, सोडियम का 23 AMU, मैग्नीशियम का होता है 24 AMU, एल्युमिनियम का होता है 27 AMU, सिलिकॉन का होता है 28 AMU, फास्फोरस का 31 AMU, सल्फर का 32 AMU, क्लोरीन का होता है 35.5 AMU, आर्गन का होता है अप्रॉक्स 40 AMU, पोटेशियम का होता है 39 AMU और कैल्शियम का होता है 40 AMU। आर्गन और कैल्शियम का एटॉमिक मास सेम होता है, ठीक है। अब बच्चों इन एटॉमिक मास को कैसे याद करेंगे, सभी बच्चों को एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स याद होते हैं और उनके एटॉमिक नंबर भी याद होते हैं। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आप एटॉमिक मास को इजीली याद कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या होती है बच्चों, जब भी आपसे किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास पूछा जाएगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लें, 2 × एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का ट्वाइस कर दीजिए आपका एटॉमिक मास आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब एटॉमिक नंबर आपका इवन हो, तो तब ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर आपका ऑड होता है तब एटॉमिक मास निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × एटॉमिक नंबर प्लस 1, ठीक है। ये कब लगाना है, जब एटॉमिक नंबर क्या होगा आपका ऑड होगा। अप्लाई कैसे करना है, जैसे देखो हीलियम की, देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, ये इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, तो भैया इसका डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, डबल 4 AMU हो जाएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 ऑड नंबर है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, 2 × 3 6 और 6 + 1 7, 7 AMU हो गए। इसी तरह से देखो बोरॉन का, देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, ऑड नंबर है, तो कितना आ जाएगा, 11। कार्बन का देखो कितना आ जाएगा, 12, डबल कर देना क्योंकि आपका इवन नंबर है। इसी तरह से ऑक्सीजन का देखो इवन नंबर 16 आ गया, फ्लोरीन का देखो ऑड नंबर है, डबल करके 1 ऐड कर देना है, 19 आ गया, इवन नंबर 20 आ गया। सोडियम देखिए ऑड नंबर है, एटॉमिक नंबर, डबल करके 1 ऐड कर देना, 23। मैग्नीशियम का भी ऐसे निकालेंगे, इवन नंबर है, ठीक है, ऐसे आप यहां पर निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं ये काफी एलिमेंट के एटॉमिक मास को निकालने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं बच्चों जिनके एटॉमिक मास इन फॉर्मूले से नहीं निकाले जा सकते, ठीक है। जैसे आपका हाइड्रोजन है, ध्यान रखना बच्चों हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 AMU होता है, लेकिन अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाओगे तो 3 आएगा। वैसे ये कोई फॉर्मूले नहीं होते बच्चों, ये एक ट्रिक है जिससे आप मैक्सिमम एलिमेंट के एटॉमिक मास को इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ जगह पर ये नहीं लगता है, उसमें आपको रटना ही पड़ेगा, जिसमें से एक एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, दूसरा है आपका बेरिलियम, जहां पर नहीं लगेगा। नाइट्रोजन के केस में ये वाले फॉर्मूले नहीं लगते हैं, इसलिए इनको डायरेक्ट आप याद कर लें, ठीक है ना। इसके अलावा क्लोरीन पे नहीं लगता है, क्योंकि देखो क्लोरीन पर अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे ऑड नंबर है तो इसमें क्या करेंगे आप, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 35 आएगा, लेकिन एक्चुअल में कितना एटॉमिक मास है इसका, 35.5। इस पे आर्गन पे नहीं लगता है, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को अगर मैं छोड़ दूं तो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक इन्हीं फॉर्मूले से मैं सबके एटॉमिक मास निकाल सकता हूं। बस किन को छोड़ना है, हाइड्रोजन को, बेरिलियम को, नाइट्रोजन को छोड़ना है, साथ में आपका क्लोरीन और आर्गन को छोड़ना है, बाकी सबके आप इन फॉर्मूले से एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपको याद ही करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है बच्चों मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। जैसे बच्चों एटॉमिक मास होता है ऐसे ही आपका मॉलिक्यूलर मास होता है। मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करा जाता है मॉलिक्यूल के लिए,
तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, बच्चों एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। चलिए इसको एग्जांपल से मैं बताता हूं, जैसे H2O, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहता हूं, आप जानते हैं बेटा H2O भी मैंने बताया कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की पहचान क्या है, वो स्पीसीज जो दो या दो से ज्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल के लिए क्या डिफाइन करा जाता है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास का मतलब है एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसी को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। निकालना कैसे है, देखो यहां पर इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन के दो एटम है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 AMU है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर प्लस ऑक्सीजन कितना है इसमें, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई, अब ये देख लो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये बच्चों ये आपका आ जाएगा 18 AMU। ध्यान रखिएगा यहां पर मॉलिक्यूलर मास की भी जो यूनिट आएगी वो AMU आएगी, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपसे CO2 का मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है, कैसे करेंगे, कार्बन कितना है, 1, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, यहां से देख लीजिएगा, ठीक है, 12 होता है, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो ये 12 प्लस मल्टीप्लाई करो इसको, 32 आ जाएगा, ठीक है, ये 44 AMU हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है, तरीका वही होगा, कार्बन कितने हैं, 6, एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, प्लस 12 इंटू ये 12 क्या है, हाइड्रोजन का नंबर, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 180 AMU, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन करना है। अगर मान लीजिए कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है CuSO4.5H2O, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको, तो ध्यान रखिएगा मैं कॉपर का आपको बता रहा हूं, देखिए अगर इनके अलावा कोई एलिमेंट ऐसा आता है जिसके हमें एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा ऐसी कंडीशन में एग्जाम में आपको उस एटम का एटॉमिक मास दे दिया जाता है। जैसे यहां पर है, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूं तो बच्चों मुझे कॉपर का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, लेकिन यहां पर जितने मैंने आपको एलिमेंट लिखवाए हैं उसमें आपका कॉपर कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एग्जाम में कॉपर का एटॉमिक मास दिया जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं, कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है आपका 63.5 AMU, ये एटॉमिक मास होता है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसको बच्चों, कॉपर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 63.5 प्लस सल्फर कितना है, 1, सल्फर का कितना होता है बच्चों, 32 होता है, प्लस 4 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, देख लो ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16 प्लस। अब देखिए डॉट के बाद बेटा ये 5 नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को आप ऐसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट में इस पूरे का कैलकुलेशन करेंगे, कैसे, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, एक ऑक्सीजन है तो 1 × 16, ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना है आपका आंसर आ जाएगा, इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है मोलर मास। अब देखिए मोलर मास का मीनिंग क्या होता है बच्चों, द मास ऑफ वन मोल, ठीक है, द मास ऑफ वन मोल, वन मोल का मतलब होता है बच्चों 6.022 × 10²³, ठीक है, द मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। जरा इस डेफिनेशन को बेटा ध्यान से समझ लो, क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए जब हम किसी सब्सटेंस का एक मोल लेते हैं, एक मोल का मतलब क्या होता है, देखो बेटा जैसे आपने नाम सुना होगा दर्जन का, तो एक दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 एंटिटीज। जैसे अगर आप मार्केट में जाते हो और दुकान वाले से बोलते हो कि मुझे एक दर्जन पेन चाहिए, तो वो आपको 12 पेन दे देगा, तो वन दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 एंटिटीज, एक नंबर को इंडिकेट करता है। इसी तरह से जो वन मोल होता है ये भी एक नंबर को इंडिकेट करता है,
तो वन मोल का मतलब कितने नंबर, 6.022 × 10³। तो आपको ध्यान रखना है जब मैं किसी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स का मास निकालता हूं उस मास को क्या बोला जाता है, मोलर मास। समझे मेरी बात को? जब हम मान लीजिए आप ऐसे एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे CO2 गैस है आपके पास, है ना। अगर मैं CO2 गैस का वन मोल ले लूं, वन मोल का मतलब 6.022 × 10²³, मतलब इतने CO2 के मॉलिक्यूल्स ले लूं, ठीक है। तो इतने CO2 मॉलिक्यूल का जो वेट आएगा, जो मास आएगा, उसी मास को मैं क्या बोलूंगा, मोलर मास बोलूंगा, ठीक है। अब मोलर मास की दो कैटेगरी यहां पर हम पढ़ेंगे। पहली आती है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपका सब्सटेंस कोई एलिमेंट है तो उसके लिए हम डिफाइन करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। क्या बोला मैंने कि ये जो सब्सटेंस है बच्चों, ये एटम भी हो सकता है और ये सब्सटेंस आपका मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो एटम है तो हम डिफाइन करेंगे बच्चों ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास कैसे डिफाइन करते हैं, देखो डेफिनेशन समझो इसकी। द मास ऑफ वन मोल, वन मोल मतलब 6.022 × 10², मतलब इतने एटम्स की बात कर रहा हूं। द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, या सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं, मोलर मास। अब अंतर समझो बेटा, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जनरली इसमें। देखिए मैंने अभी एक टर्म पढ़ाई थी बच्चों एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास का क्या मतलब था, मास ऑफ वन एटम, भाई एक एटम का जो मास है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। और जब इतने सारे एटम का मास हम लेते हैं तो वो मास क्या कहलाता है, आपका ग्राम एटॉमिक मास, या सिंपली कह सकते हैं मोलर मास, ठीक है। अब देखो अगर आपको एटॉमिक मास याद है तो ग्राम एटॉमिक मास को याद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा चेंज करना है। चेंज क्या करना है, जैसे आपके पास बच्चों ये लिखा हुआ है, यहां पर लिखे हुए एलिमेंट और यहां पर लिखा हुआ एटॉमिक मास, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं ग्राम एटॉमिक मास, या ब्रैकेट में लिख देता हूं मोलर मास, ठीक है। क्या डिफरेंस है, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 एएमयू। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, एएमयू। अगर मुझसे ग्राम एटॉमिक मास पूछा जाए हाइड्रोजन का तो आप लिखेंगे 1 ग्राम, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बच्चों, यूनिट में डिफरेंस आ जाए, ठीक है ना। अगर ग्राम एटॉमिक मास पूछा जा रहा है तो आप यहां पर ग्राम लिख देंगे, यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम। और अगर एटॉमिक मास पूछा जा रहा है तो यूनिट क्या लिख देंगे, एएमयू। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, 4 ग्राम। इसका लिथियम का कितना है, 7, तो इसका कितना हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, 7 ग्राम। बस यूनिट चेंज करनी है। जैसे ये है आपका बेरिलियम का कितना है, 9, तो यहां पर कितना हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, 9 ग्राम हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14 AMU, तो बच्चों ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। तो यूनिट चेंज करनी है, यूनिट का डिफरेंस है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और बता देता हूं, अगर मान लो बच्चों ग्राम एटॉमिक मास मुझसे पूछा जाता है ऑक्सीजन का, तो मैं क्या लिखूंगा, 16 ग्राम। फ्लोरीन का पूछा जाता है तो लिखूंगा 19 ग्राम। नियॉन का पूछा जाता है तो लिखूंगा 20 ग्राम। सोडियम का पूछा जाता है तो 23 ग्राम। बस ग्राम लगा देना है, मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इसमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। क्या ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द मास ऑफ वन मोल मतलब 6.022 × 10²³ ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इसको सिंपली हम बोल सकते हैं मोलर मास, ठीक है। तो जब भी मैं मोलर मास डिफाइन करूंगा तो ध्यान रखना मैं एक मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं या वन मोल एटम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। और वन मोल का मतलब होता है इतने मॉलिक्यूल्स या इतने आपके एटम्स, ठीक है। एटम लूंगा तो एटम की बात करूंगा, मॉलिक्यूल लूंगा तो बेटा मॉलिक्यूल की बात करूंगा, ठीक है। अब जैसे अभी हमने पढ़ा था H2O के लिए, अभी हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था बच्चों, ठीक है।
मॉलिक्यूलर मास क्या निकाला था, देखो 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का कितना बताया था एटॉमिक मास 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना बताया था एटॉमिक मास 16, तो कितना आया था 18 ये, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास जो है उसको क्या बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, और कितना है 18 ये। और जब हम एक मोल मॉलिक्यूल की मास की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर मैं इसी के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा, बस अंतर क्या है बच्चों, एएमयू को हटा के क्या कर देना है ग्राम लगा देना है, बस ये अंतर है, ठीक है। जब भी मोलर मास डिफाइन करा जाता है तो यूनिट ग्राम हो जाती है, ठीक है ना। अब कौन सा मोलर मास डिफाइन करना है, चाहे वो ग्राम एटॉमिक मास डिफाइन करें या ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करें, ठीक है। अगर एटॉमिक मास डिफाइन कर रहे हैं तो यूनिट एएमयू, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास डिफाइन कर रहा हूं तब भी एएमयू, ठीक है। ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करें, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। जब भी मैं एक की बात करूंगा, एक एटम की बात करूंगा या एक मॉलिक्यूल की बात करूंगा, तो उस केस में जो यूनिट आएगी बच्चों एएमयू आएगी, समझ में आया। और जब बच्चों मैं एक मोल की बात करूंगा, एक मोल सब्सटेंस के मास की बात करूंगा, तो फिर हम बोलेंगे उसको मोलर मास और यूनिट क्या हो जाएगी ग्राम, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इनको कन्वर्ट करना है। चलिए बेटा इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है और इसमें पहला कंपाउंड आपको जो दे रखा है Fe(SO4.7H2O), ठीक है, और ब्रैकेट में मुझे एटॉमिक मास दिए हैं एलिमेंट के। तो सबसे पहले मैं देखता हूं आयरन, आयरन 1 है, आयरन का एटॉमिक मास कितना है 56, प्लस सल्फर 1 32 होता है एटॉमिक मास, 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है, प्लस 7 इंटू, अब ये ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में कैलकुलेशन करेंगे, हाइड्रोजन 2 है मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इंटू 16, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, आपको यूनिट क्या लिखनी है, एएमयू या फिर बेटा ग्राम लिखनी है। तो आपको देखना है कि आपसे कैलकुलेट क्या करा है, मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करा रहा है, तो इसका मतलब यूनिट क्या होगी बच्चों एएमयू होगी। दूसरा पार्ट क्या है आपका N2O, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, नाइट्रोजन कितने है 2, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, प्लस ऑक्सीजन 1 इंटू 16, ये हो जाएगा 28 प्लस आपका 16, सॉल्व करेंगे तो बच्चों 44 आ जाएगा और यूनिट क्या होगी एएमयू। इसके बाद तीसरा है आपका C12H22O11, ठीक है, कार्बन 12 है, एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, फिर हाइड्रोजन है 22, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन 11 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा और यूनिट हो जाएगी आपकी एएमयू। तो आप ये समझे कि जब भी आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा जाएगा तो बच्चों यूनिट क्या आएगी आपकी एएमयू आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट मोलर मास, मोलर मास पूछा गया है, मोलर मास अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब ये निकालना है कि यहाँ पर जो यूनिट है बच्चों वो आपको ग्राम में लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला है आपका N2, तो N2 2 N2, देखिए निकालने का तरीका तो वैसे ही होगा जैसे आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, बस यूनिट चेंज कर देनी है आपको, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है मास 14, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 28, ठीक है, और यूनिट हो जाएगी ग्राम। अगर बेटा इसी का, नाइट्रोजन का अगर आपसे पूछा जाता मॉलिक्यूलर मास तो यूनिट क्या आ जाती है यहाँ पर एएमयू आ जाती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां पर बी पार्ट है आपका N2H4CO, इसका कैसे निकालेंगे, 2 इंटू नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा 14, यहां से देख सकते हो आप मास कितना होता है 14, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन 1 है और कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन 1 इंटू 16, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 60 और यूनिट हो जाएगी आपकी ग्राम। इस तरह से क्वेश्चन करना है। इसके बाद न्यू टॉपिक है हमारा बच्चों मोल। तो अगर मैं मोल की बेसिक डेफिनेशन आपको बताऊं तो आप मोल को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मोल इज ए काउंटिंग यूनिट। काउंटिंग यूनिट मतलब कि एक पर्टिकुलर नंबर को इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था कि अगर मैं 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल लेता हूँ, ठीक है,
तो वन मोल का मतलब होता है 6.022 × 10²³ एंटिटीज, ठीक है, मतलब एक मोल इतने नंबर को इंडिकेट करता है। और इस नंबर को बच्चों हम Na से डिनोट करते हैं, और Na का मतलब होता है एवोगैड्रोस नंबर, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर ये ध्यान रखनी है कि अगर मैं वन मोल, मान लीजिए अगर मैं बुक्स लेके चलता हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कितने नंबर में बुक्स हैं, 6.022 × 10²³ बुक्स मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूं कि भाई वन दर्जन बुक्स का मतलब क्या होगा, 12 बुक्स। तो जैसे दर्जन एक नंबर को इंडिकेट करता है, वैसे ही मोल एक डेफिनेट नंबर को इंडिकेट करता है, और उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर, और वो नंबर ये होता है, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी चीज को अगर वन मोल लेके चलता हूं, तो उसका मतलब ये होगा कि मैं उस चीज को इतने नंबर में लेके चलता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल और आपको बता के चलता हूं कि मान लो अगर मैं वन मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल लेता हूं, मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मैंने आपसे बोला कि इस कंटेनर में वन मोल CO2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कि टोटल इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो वन मोल का मतलब कितना नंबर, 6.022 × 10²³, कितने CO2 के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है, ये मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पर मोल्स के कुछ फॉर्मूले होते हैं, आपको ध्यान रखना है कि मोल को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसके तीन फॉर्मूले होते हैं कैलकुलेट करने के। पहला फॉर्मूला होता है N=W/m, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, जहां पर n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। W का मतलब क्या हो गया, यहां पर है वेट ऑफ सब्सटेंस, भाई जिसके मोल निकाल रहे हो उस सब्सटेंस का वेट, जिसके मोल निकालेंगे बेटा उसी का वेट होगा ये W, ठीक है। M का मतलब क्या है, जो भी पढ़ के आए हो आप, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। एक चीज का ध्यान रखना, वेट यहां पर किसमें होना चाहिए, ग्राम में, और आप जानते हैं मोलर मास तो होता ही ग्राम में, ठीक है, तो ये आपका ग्राम में होना चाहिए वेट, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला इसके अंदर आता है N=N/NA, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, देखो N का मतलब तो हो गया बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, और कैपिटल N का मतलब है यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मीनिंग बच्चों मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पार्टिकल का मतलब आयन भी हो सकता है, और पार्टिकल का मतलब आपका एटम भी हो सकता है, और पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है, पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जब भी आपसे पार्टिकल का नंबर पूछा जाए, मॉलिक्यूल का नंबर पूछा जाए, या इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछा जाए, तो बच्चों ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, N=N/NA, और NA क्या होता है बच्चों, मैंने बताई दिया है कि ये नंबर होता है, ठीक है, तो NA की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो अभी सिंपली आप याद रखें कैपिटल N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों, इसमें एक फॉर्मूला है N=V/22.4, ठीक है। यहां पर इस V का मतलब है वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम आपका किसमें होना चाहिए, लीटर में, ठीक है। N का मतलब तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया, V का मतलब यहां पर है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और NTP, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और NTP। अब इसको समझ लो बेटा, STP का मतलब क्या होता है, STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, मतलब इसमें टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स होता है। तो टेम्परेचर आपका होना चाहिए 0°C और प्रेशर होना चाहिए 1 bar, इसको स्टैंडर्ड कंडीशन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं, ये STP कंडीशन पे करते हैं, मतलब इस टेम्परेचर और प्रेशर पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, तो तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले आपके हो गए, इसको अच्छे से ध्यान रखना। यहां पर NTP का मतलब क्या होता है बच्चों,
एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर क्या होगा 1 बार, ठीक है। तो अगर एनटीपी में पूछ रहा है तब भी आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा यहाँ पर। अब देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे कैसे पूछे जाए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं यहाँ पर तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स के। पहला है एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, पहले वेट की फॉर्म में है फॉर्मूला, दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में, ठीक है ना। एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये भी तो एक नंबर ही है बच्चों और ये भी नंबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ये एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। और एन इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 और ये आपका लीटर में होना चाहिए। इन तीन फॉर्मूले का यूज करना है हम लोगों को। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 360 ग्राम ऑफ C6H12O6। इसको बच्चों ग्लूकोज बोला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ग्लूकोज के 360 ग्राम लिए जाए तो उसमें ग्लूकोज के कितने मोल्स होंगे, ठीक है। तो सिंपली बेटा आपको ध्यान रखना है, आपको वेट दे रखा है, ग्राम है ना बेटा, ये आपका ग्लूकोज का वेट है, W की वैल्यू दे रखी है 360 ग्राम, समझ में आया। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। बेटा मोल्स को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। मैंने आपसे बताया कि जब भी आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाएंगे इन तीनों में से एक फॉर्मूला यूज करना। अब देखो बेटा यहां पर वेट गिवन है तो वेट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, ठीक है। वेट कितना है आपका 360 और एम का मतलब क्या होता है, मोलर मास। अब मोलर मास निकालना मैंने सिखा रखा है, किसका मोलर मास निकालना है, C6H12O6 का, क्योंकि इसी के तो मोल्स निकालने हैं आपको, तो इसी का मोलर मास चाहिए मुझे इस फॉर्मूले में। तो इसको निकालेंगे 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, वो मैंने बता रखा है 12 है, यहाँ पर 12 इंटू 1 हो जाएगा और 6 इंटू आपका 16, इसको सॉल्व करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 180 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट करो 180 ग्राम तो ये आपका आ जाएगा 2 मोल, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अभी तो मैं सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद बेटा हार्ड क्वेश्चन लेके चलेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये क्वेश्चन दे दिया आपसे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, यहां पर ये क्या दे रखा है इसको ध्यान से देखो आप, आपको दे रखा है 12.044 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है पार्टिकल, ठीक है ना। ये क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, CO2 के मॉलिक्यूल्स का नंबर दे रखा है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल का नंबर दे रखा है, ये एन की वैल्यू आपको दे रखी है। ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी कभी ऐसे लिखा आएगा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द CO2 या आपको लिखा होगा एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो समझ जाना वो एन की वैल्यू होती है, ठीक है। तो एन कितना दे रखा है बच्चों, 12.044 इंटू 10^23 और कैलकुलेट क्या करा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स एन की वैल्यू कैलकुलेट करा रहा है, ठीक है। लगा दो फॉर्मूला, एन इक्वल्स टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन ए लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला सेकेंड वाला। तो एन की वैल्यू 12.044 इंटू 10^23 और एन ए एवोगैड्रोस नंबर होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है कितनी है, 6.022 इंटू 10^23, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये चला जाएगा 2 times। तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 2 मोल्स, ठीक है। इसके बाद बच्चों तीसरा क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ N2 गैस एट STP इफ 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज टेकन, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपसे, आपको नाइट्रोजन गैस के मोल दे रखे हैं, ठीक है। मोल मतलब एन की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों, 2 मोल दे रखी है। और पूछा क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP, आपसे वॉल्यूम की वैल्यू पूछी जा रही है,
नंबर ऑफ मोल्स देके वॉल्यूम की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दोगे एन इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। एन कितना दे रखा है, 2 वी डिवाइडेड बाय 22.4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा 44.8 लीटर, इतना वॉल्यूम आ जाएगा नाइट्रोजन गैस का एसटीपी के, ठीक है। तो ये बच्चों आपके आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लेवल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगर बच्चों आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, आपको CO2 का वेट दे रखा है, कितना वेट है CO2 गैस का, 22 ग्राम दे रखा है बच्चों आपको, है ना। और यहां पर पूछ रहा है नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, CO2 के मॉलिक्यूल्स का नंबर पूछा गया है, ठीक है, मतलब n की वैल्यू पूछी जा रही है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के ये पूछा जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे जा रहे हैं, तो n निकालना है मुझको, ठीक है। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, एक मैं आपको हिंट दे रहा हूं जो हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। देखो बच्चों अगर हमें कभी वेट गिवन होता है और मुझसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाते हैं तो मैं फॉर्मूला क्या लगा दूंगा, n इज इक्वल टू w अपॉन m, ठीक है ना, समझ में आया। अगर मुझे वेट दिया होता है किसी सब्सटेंस का और नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाते हैं तो मैं ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूं। मान लो अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए जाते हैं, कैपिटल एन की वैल्यू दी जाती है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं, कैसे, एन इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, ये आपको गिवन है और ये नंबर आपको पता रहता है तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर आपको वॉल्यूम दे दिया जाए, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP दे दिया जाए, वॉल्यूम आपको गिवन है और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, वी डिवाइडेड बाय 22.4। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको वेट दे देगा, ठीक है, इसकी वैल्यू दे दी आपको, सब्सटेंस का वेट दे दिया और आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है, समझना रहा, या उल्टा भी पूछा जा सकता है, n की वैल्यू दे देगा वेट पूछ लेगा, या ऐसे भी दे सकता है कि n दे देगा वॉल्यूम ऑफ गैस पूछ लेगा, वेट दे देगा वॉल्यूम ऑफ गैस पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कॉमन क्या है, जैसे यहां पर क्या पूछा गया है, आपको वेट दे रखा है, देखो वेट दे रखा है CO2 गैस का और n की वैल्यू पूछी गई, ये वाली वैल्यू पूछी गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए आप अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर लें कि जब भी हमसे वेट देके कुछ भी चीजें पूछी जाएंगी सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है ना भाई, इसको निकालना है, ये दे रखा है ये निकालना है, तो सबसे पहले मैं एन निकालूंगा और फिर एन निकालने के बाद मैं ये निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो वेट दे रखा है उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा और जब एक बार नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे फिर बेटा मैं एन की वैल्यू निकालूंगा। देखो कैसे निकालना है बच्चों, सबसे पहले वेट दे रखा है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट कितना है बच्चों 22 हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं भाई, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन कितना है 1, एक कार्बन का वेट कितना होता है 12 और ऑक्सीजन 2 एक का वेट कितना है 16, तो कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा ग्राम, ठीक है, यहां पर 44 रख दो आप तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/2 मोल आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए आपने, आपको ये निकालना है तो ये देख लो कि नंबर ऑफ मोल्स का ये वाला भी तो फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय n, सही है। तो नंबर ऑफ मोल्स मैं निकाल चुका हूं, कितना है आपका हाफ, n की वैल्यू मुझे निकालनी है और n ने मुझे पता है 6.022 × 10⁻¹⁰ कितना होता है 23, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 3.011 × 10⁻², तो n की वैल्यू आपकी निकल के आ गई और यही n क्या है बच्चों आपका नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को करना है। और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट STP इफ
इफ 16 ग्राम ऑफ O2 इज टेकन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे भाई, वॉल्यूम पूछा गया है ऑक्सीजन गैस का और आपको दे क्या रखा है, ऑक्सीजन गैस का वेट दे रखा है, वेट कितना है 16 ग्राम। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, अगर न्यूमेरिकल में आपको कुछ भी दे रखा है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे आप, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, N=W/N है भाई। अगर आपको W दे रखा है तो आप वो वाला फॉर्मूला लगाएं नंबर ऑफ मोल्स का जिसमें W आता है, तो यहां पर W कितना है 16। अब मोलर मास निकाल सकते हैं कैसे, O2 दे रखा है आपको तो 2 × ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितना आ जाएगा ये 32, यहां पे 32 रखो कितना आ गया आपका हाफ मोल आ जाएगा, सही है। अब इसके बाद देखो आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए, फिर इसके बाद आप नंबर ऑफ मोल्स का वो वाला फॉर्मूला लगाएं जिसमें वॉल्यूम आता है, क्योंकि मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो देखो वॉल्यूम वाला ये फॉर्मूला है, तो N=V/22.4, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है 1/2 ये वी, और 22.4 ये कैंसिल आउट करोगे तो 11.2, तो मेरा वॉल्यूम कितना आ जाएगा बच्चों 11.2, और ये वॉल्यूम किस में आता है ध्यान रखना, ये लीटर में आता, ठीक है, सॉल्व करके बच्चे याद है, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल और दे रहा हूं मैं इसमें, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, CO2 गैस ऑक्यूपाइज 2.24 लीटर वॉल्यूम एट STP, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 गैस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखो बच्चों, CO2 गैस ऑक्यूपाइज 2.24 लीटर वॉल्यूम एट STP, आपको वॉल्यूम दे रखा है STP पे CO2 गैस का 2.24 लीटर, और आपसे CO2 गैस का मास पूछ रहा है, मास मतलब बच्चों यहां पर वेट पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैं वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लिखूंगा क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है मुझे, तो N=V/22.4 वॉल्यूम बच्चों यहां पर लीटर में रखा जाता है ये ध्यान रखना, और लीटर में दे रखा है तो यहां पर पुट करो 2.24 लीटर, 22.4 सही है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/10 मतलब 0.1 मोल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, वेट निकालने के लिए मैं नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा, N=W/M, N की वैल्यू कितनी है 0.1, वेट मुझे निकालना है। अब M का मतलब क्या है, मोलर मास, किसका मोलर मास, CO2 का, तो CO2 का मोलर मास, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो ये 44 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर रखोगे 44, तो वेट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4.4 ग्राम CO2 का वेट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको न्यूमेरिकल करना है, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड क्वेश्चन है ही नहीं बेटा इसके अंदर। अब इसके बाद एक फॉर्मूला और मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, वैसे ये बच्चों फॉर्मूला जनरली बुक में होता नहीं है, ये बच्चों के न्यूमेरिकल पोर्शन को आसान करने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, और हर जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखो क्या है बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स, अगर कभी बच्चों आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाते हैं तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं N into एटॉमिसिटी, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाना है बच्चों आपको, जब भी आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाएंगे, कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, तो आप बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जहां पर N का मतलब क्या है, N का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी। अब इसको समझ लेते हैं बच्चों, एटॉमिसिटी का मीनिंग क्या होता है, एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, जो मॉलिक्यूल आपको गिवन है उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है वही एटॉमिसिटी कहलाती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ CO2 में कितने एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, वही इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, एटॉमिसिटी हो जाएगी। ठीक है,
जैसे बच्चों यहां पर कितने एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम और कार्बन का एक एटम, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, थ्री हो गई। मान लो अगर मैं H2O की एटॉमिसिटी पूछता हूँ कितनी हो जाएगी, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो थ्री हो जाएगी। C6H12O6 क्या एटॉमिसिटी हो जाएगी, देखो 6+6=12 और 12+12 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो इसी तरह से एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं, जैसे ये है इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं तो यहां पर टोटल एटॉमिसिटी रखी जाएगी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो फिर एटॉमिसिटी कार्बन की रखनी है। जैसे यहां पर इस मॉलिक्यूल में कार्बन कितने नंबर में है, वन है, तो एटॉमिसिटी होगी कार्बन की वन। अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन कितने हैं तो टू है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम मतलब टोटल एटम्स का नंबर पूछा जा रहा है, तो फिर आप टोटल एटॉमिसिटी रखेंगे, जितने भी इसमें एटम्स प्रेजेंट है वो वैल्यू रखी जाएगी। लेकिन अगर आपसे कार्बन का एटम्स का नंबर पूछा जा रहा है तो फिर कार्बन की एटॉमिसिटी रखनी। मैं समझाता हूं क्वेश्चन, पहले मैं लिखता हूं फिर उसके बाद समझाता हूं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट में पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स इन CO2, नंबर ऑफ एटम्स। दूसरा पूछा गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। थर्ड इसमें पूछ लिया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन आपको दे दिया 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, दूसरा पार्ट पूछा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। देखो डाटा क्या दे रखा है बच्चों, आपको वेट दे रखा है CO2 का 4.4, ये दे रखा है, ठीक है। और मुझसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए। देखो बच्चों नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, कैपिटल एन की। तो कैपिटल एन कैसे निकालूंगा, कैपिटल एन निकालने के लिए पहले मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। मैंने बताया अभी आप लोगों को कुछ भी कैलकुलेट करना हो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है W/N, सही है। W कितना है बच्चों, 4.44। अभी मैंने CO2 का मॉलिक्यूलर मास अभी बताया था कितना होता है, 44 होता है, चाहे निकाल के भी देख सकते हैं आप, ठीक है। देख लो CO2, कार्बन कितना है बेटा 1 और मास होता है 12, ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई 16, तो 44 आएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, सही है, इतने मोल आ गए। अब इसके बाद मैं N=N/ क्या लगा दूंगा, N की वैल्यू 0.1 N, और N का मतलब होता है 6.022 × 10⁻²। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो N ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करके 0.1 और 6.022 × 10⁻²। तो N की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, यहाँ पर 0.6022 × 10⁻², इतने N आ गए आपके, सही है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल के आई है ये तो N की आई है, लेकिन मुझसे पूछे क्या है नंबर ऑफ एटम्स। तो पहला पार्ट नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू क्या करूँगा, N × एटॉमिसिटी, A का मतलब है यहाँ पर एटॉमिसिटी। तो N कितना है बच्चों आपका 0.6022 × 10⁻², ठीक है। अब बच्चों नंबर ऑफ एटम्स पूछे मतलब टोटल एटम्स पूछे, तो मुझे ये देखना पड़ेगा CO2 में टोटल कितने एटम्स हैं, कितना एक कार्बन का है और दो ऑक्सीजन के हैं, तो टोटल एटम्स कितने हैं, थ्री, और ये क्या होगी एटॉमिसिटी। तो मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी की जगह क्या रख दूंगा मैं, थ्री, तो कितना हो जाएगा, इतने आ जाएंगे आपके एटम्स मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, आपसे क्या पूछा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फॉर्मूला तो ये रहेगा N×एटॉमिसिटी, बट डिफरेंस क्या आएगा, N की जगह तो बेटा ये रख दो आप 0.6022 × 10⁻², बस एटॉमिसिटी का ध्यान रखना है। अब एटॉमिसिटी किसकी रखनी है, कार्बन,
CO2 में जितने कार्बन एटम्स हैं वो रखनी है आपको एक ही जगह, ठीक है। तो कितना है कार्बन, देखो इसमें वन है क्योंकि मैं कार्बन के एटम्स निकाल रहा हूँ ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसके बाद बेटा थर्ड पार्ट यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स इसको कैसे निकालूंगा, एन इंटू एटोमिसिटी, एन की वैल्यू तो बेटा वही है आपकी, इसे हटा देता हूँ बच्चों, एन की वैल्यू ये रही आपकी 0.6022 इंटू 10^23 एटोमिसिटी। अब किसकी एटोमिसिटी रखी जाएगी भाई, किसके एटम निकाल रहे हो आप, ऑक्सीजन के, तो CO2 में देख लो कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 है तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो 1.2044 मल्टीप्लाई 10^23 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाएंगे तो एन इंटू एटोमिसिटी करनी है, ठीक है। अगर कह रहा है नंबर ऑफ एटम मतलब टोटल एटम्स पूछे जा रहे हैं तो आपको टोटल एटोमिसिटी रखनी है, और अगर आपसे नंबर ऑफ कार्बन एटम पूछे जा रहे हैं तो कार्बन की एटोमिसिटी रखनी है, मतलब कार्बन के कितने एटम्स हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से आपसे ऑक्सीजन का एटम पूछा है तो आपको यहाँ पर जो एटोमिसिटी की जगह रखना है वो ऑक्सीजन एटम को रखना है कि एक CO2 के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम है। इस तरह से बच्चों हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स 8 AMU ऑफ हीलियम, और सेकंड पार्ट है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाला पार्ट करके दिखा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, तो जब भी नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाएगा तो सबसे पहले मुझे कैपिटल एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो कैपिटल एन कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो बच्चों मुझे यहाँ पर 8 AMU दे रखा है, AMU किसकी यूनिट होती है बेटा, वेट की होती है, मास की होती है, ठीक है। तो हीलियम का मुझे वेट दे रखा है कितना, 8 AMU, तो सबसे पहले मैं इसको चेंज करूँगा ग्राम में, तो क्या करना होगा, 8 को अगर मैं Na से डिवाइड कर दूँ मतलब एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों ग्राम में। सबसे पहले मैं इसको ग्राम में चेंज करूँगा, अगर वेट AMU में दे रखा है तो ग्राम में चेंज कर लूँगा। फिर इसके बाद मैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाऊंगा W अपॉन m, वेट कितना है बच्चों यहाँ पर 8 / Na, और m का मतलब क्या है यहाँ पर, m का मतलब यहाँ पर है मोलर मास, और किसका मोलर मास, हीलियम का, हीलियम का मोलर मास कितना होता है बच्चों, 4 होता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2/Na आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके मोल्स कैलकुलेट होके आ गए। अब इसके बाद मैं फॉर्मूला लगाऊंगा Na = N / Na, ठीक है, क्योंकि मुझे n निकालना था, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए मुझे n की जरूरत पड़ेगी। तो n कितना है बच्चों, 2/Na और N/Na, तो बच्चों Na से तो Na कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n कितना आ गया आपका, 2 आ गया, ठीक है। यहां पर जो n आया है बच्चों ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो अब क्या कर सकते हो आप, फॉर्मूला लगा दो इसमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एन इंटू एटोमिसिटी, एन की वैल्यू कितनी है 2, और हीलियम की एटोमिसिटी कितनी है 1 है, भैया यहाँ पर एक ही तो एटम दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। वैसे बच्चों इस फॉर्मूले के लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, क्यों नहीं ज़रूरत थी, मैं आपको रीज़न बताता हूँ आप लोगों को। बेटा यहाँ पर हीलियम क्या है, एटम है, अगर आप एटम को लेके चले हो तो ये जो एन की वैल्यू होगी ये नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगी, समझ रहे हो मेरी बात को। यहां पर अगर मान लीजिए आप मॉलिक्यूल लेके चल रहे हो, जैसे यहां पर अगर मैं 14 ग्राम ऑफ N2 लेके चल रहा हूं, तो जो N कैलकुलेट करके आएगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट। इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं, आपको वेट दे रखा है बच्चों नाइट्रोजन गैस का 14 ग्राम, तो पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा W/M 14। अब मोलर मास क्या होता है नाइट्रोजन का, निकाल सकते हो 2 × 14 कितना आ गया 28, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा हाफ मोल। अब इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे आप N = N/Na, ये है आपका N, हाफ और N, एवोगैड्रोस नंबर 6.022 × 10^23, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 3.011 × 10^23। अब यहाँ पर जो N का मीनिंग है बच्चों वो क्या होगा, देखिए आप N2 लेके चल रहे हो, तो N2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो ये N किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। लेकिन मुझसे पूछा क्या नंबर ऑफ एटम्स, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू कैपिटल N × एटोमिसिटी,
एन कितना है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23। एटॉमिसिटी कितनी है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, 2 हैं, तो मल्टीप्लाई करो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एन बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। अगर आप एटम लेके चलोगे तो एन एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, मॉलिक्यूल को लेके चलोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकले और एटम पूछ रहा है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है,